अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। हमने पिछले कुछ हफ्तों से एक ड्रामा के ऊपर बहुत सारी डिबेट चल रही थी। ड्रामा का नाम था बरज़ख और वो ड्रामा लिखा भी पाकिस्तान में गया, वो ड्रामा डायरेक्ट भी पाकिस्तान में हुआ, प्रोड्यूस भी पाकिस्तान में किया गया, लेकिन वो ड्रामा बनाया गया था इंडियन चैनल के लिए और उसके अंदर जो कास्ट काम कर रही थी पाकिस्तान से वो बहुत बड़े बड़े और मायानाज नाम और अदाकार सनम सईद, फवाद खान। और फवाद खान ने बहुत सालों के बाद जो है वो अपना कम बैक किया इस ड्रामे से। तो अपेरेंटली जब इसके प्रोमोज आना शुरू हुए तो लोगों को लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, बरज़ख। तो बरज़ख आपको पता है कि मुसलमानों के अंदर हमारे दीन में जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक वो वाली स्टेट, वो वाली दुनिया आलम बरज़ख, जहाँ पे मौत के बाद रूहें जो हैं वहाँ पर रहेंगी आखिरत तक, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, तो आलम बरज़ख में रूहें उस वक्त तक मौजूद रहेंगी। तो ड्रामे का नाम बरज़ख था और ड्रामे के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी कि एक ओल्ड एज आदमी की स्टोरी थी जिसने अपने बच्चों को जो है वो बुलाया है और वो अपनी स्टोरी जो है उससे हम फिर आगे देखते हैं जो बढ़ती है कि वो उस घर के अंदर रूहें भी रह रही हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तानी या हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंपेटिबल नहीं था। इसके अलावा इसके अंदर एलजीबीटी का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया और वो लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और इसके ऊपर तनकीद चलती रही, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, अब मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के शोज़ में उन्होंने कहा कि अब हमें अपने जहन खुले कर लेने चाहिए, अब हमें इस तरह की चीज़ें देखने की भी खुद को आदत डालनी चाहिए, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। तो माजरत के साथ अगर ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, लेकिन ये बना तो पाकिस्तान में है, इसके अंदर पाकिस्तान के अदाकारों ने काम किया है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान, इतना बड़ा नाम, उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया कि अब चूंकि इस ड्रामे को जो इंडियन चैनल है उसने हटा दिया यूट्यूब से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा डिबेट के बाद इतनी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है कि एलजीबीटी को प्रमोट किया जा रहा है और ये हराम है, कौम लूत से इसको मशरूत किया जा रहा है और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में जो की गई। तो उसके बाद उन्होंने इवेंचुअली फिर जो इंडियन चैनल है उन्होंने इसको यूट्यूब से पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कहा कि 9 अगस्त के बाद जो है इसका फिनाले पहले आ गया, 2 दिन पहले, और उसके बाद 9 अगस्त से उन्होंने कहा जी इसको हम यूट्यूब से रिमूव कर देंगे पाकिस्तान के लिए। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी, हमें खुश होना चाहिए था कि पाकिस्तानी लोगों ने आवाज़ उठाई है इसके ऊपर, और जिसकी नतीजे में इसका आउटकम ये निकला कि इंडियन चैनल मजबूर हो गया, उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को यहां से उठा लिया। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान, एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से नहीं आई कि वो माजरत खां हैं या उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए था या इस तरह से उन्होंने काम बैक किया, नहीं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जबकि डायरेक्टर और राइटर इस ड्रामे के, उन्होंने कहा बेशक इस ड्रामे को हटाया जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन ये है कि मेरी कहानी जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी, मेरी कहानी के किरदार जो है वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो कहानी तो चले अब उन्होंने लिख ली है जिस तरह से भी थी। इसके अंदर जो सबसे बात जो मुझे लगी है, जिसके लिए हमारे इंडस्ट्री के लोगों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि बीइंग मुस्लिम, बीइंग एक इस्लामिक स्टेट, हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए। अगर ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए थी तो इसको पाकिस्तान के अंदर शूट नहीं किया जाना चाहिए था या पाकिस्तान के अंदर इसको चलाना भी नहीं चाहिए था, कि कंटेंट पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं था। हमारे रिलीजन से जब ये एक चीज़ कंपेटिबल है ही नहीं, तो हम वो क्यों अपने बच्चों को, अपनी अगली जनरेशन को ये कंटेंट दिखाएं और उनके दिमागों के अंदर ये खन्नास जो है हम उनको क्यों इस चीज़ को प्रमोट करें। हमारे लिए तो ये एक खुशी की बात है कि हम ये जो प्ले इंडियन चैनल जिसके लिए बनाया गया था, उन्होंने इस प्ले को जो है वो हटा लिया है 9 अगस्त के बाद, यूट्यूब से पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देख सकेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस। लेकिन ये इसके साथ साथ मैं बताती चलूं कि बहुत ही फ्लॉप किस्म का ये सीरियल रहा है, कोई इस पे व्यूज भी नहीं आए और ये एक इंतहाई घटिया स्टोरी थी। इसको चाहे नेटफ्लिक्स पे चलाते हैं कहीं भी और, लेकिन ये एक पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये ड्रामा नहीं था। ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।